दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइट विजिट में। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं स्लैब पे वीडियो लेके आया हूँ। जैसे कमेंट में मैं काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे इस पर कि सर एक स्लैब पे वीडियो ले आओ कि हमारी स्टील की क्वांटिटी हम कैसे चेक करते हैं स्लैब के लिए। तो आज का वीडियो उसी पर है हमारा। आज मैं आपको काफ़ी चीज़ें इसमें क्लियर करूँगा। एक तो बताऊँगा कि हम स्टील की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, उसका आप रेट एनालिसिस कैसे करोगे कि मतलब आपका स्टील जो क्वांटिटी आएगी उसका कितना कॉस्ट आएगा मार्केट के हिसाब से जो अभी मार्केट रेट चल रहे हैं। दूसरा जो आपका लेबर का चार्ज लगेगा मतलब स्टील बंधवाने में जो अभी मार्केट रेट है वो कितना लगेगा, और जो बेसिक खर्चा आता है जैसे तार बांधने में आता है स्टील की, जो आप स्टील वायर बांधोगे स्लैब में उसमें जो तार लगती है उस पर कितना खर्चा आएगा। टोटल एनालिसिस किया मैंने इस पर, तो आज मैं उस पर कंप्लीट वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। कंप्लीट वीडियो देखना, काफ़ी नॉलेज आपको इस वीडियो से मिलने वाला है और जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको कंप्लीट मैं इसमें बताऊंगा। देखो इसमें है क्या, मैंने स्लैब की एग्जांपल ले ली है। देखो 6 मीटर बाय 15 मीटर की हमारी स्लैब है। अगर मैं ऐसे पकड़ के चलूँ तो हमारी होगी 20 फुट बाय 50 फुट की, ठीक है। ये चीज पकड़ ली, मतलब एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं। आप इस वीडियो को देख लोगे, आप किसी भी स्लैब मतलब कैसी भी स्लैब है आप निकाल लोगे कि आपका खर्चा कितना आएगा, आपका मतलब सरिया कितने का पड़ेगा, लेबर कितने की पड़ेगी और बाकी खर्चा कितना आएगा स्टील बांधने में स्लैब का। तो स्टार्ट करता हूं। देखो जो सरिया मैंने इसमें इस्तेमाल किया है, जो हमें करना चाहिए मेनली, मेन बार जो है हमारा, जो मेन बार आएगा हमारा ये रहता है, जहां भी छोटी साइड होगी याद रखना वहां हमारा मेन बार आएगा। ये आ गया मतलब ऐसे ऐसे हमारा मेन बार आएगा। आपको आई होप दिख रहा होगा, ये जो मैं पेन यूज कर रहा हूं ये कलर थोड़ा ऐसे लाइट है। ये आ गया हमारा मेन बार, और जो डिस्ट्रीब्यूशन बार रहता है वो ऐसे आएगा। थोड़ा ऐसे दिक्कत हो रही है मेरे को बनाने में, ये आ गया, ठीक है, ऐसे आएगा। जैसे जाला भी बोलते हैं कई जगह, जो टेक्निकल पर्सन उनको पता होगा, जो मैश हम बना रहे हैं जो हमारी स्लैब की रहेगी ऐसे रहेगी। और इसमें हमने स्पेसिंग कितनी पकड़ी है, ये जो है मतलब इनकी स्पेसिंग कितनी है हमारी 150 mm या 6 इंच, बोलो कितनी है 150 mm या 6 इंच, और इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अभी बात करता हूं मैं वीडियो की। तो डाया ऑफ मेन बार, जो ये मेन बार था हमारा उसका है 10 डाया हमने यूज किया, 10 का बार। और जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है ये वाला, वो हमने 8 mm का यूज किया है। ये याद रखना हमेशा, मेन बार आपको कितना 10 mm का यूज करने हैं और डिस्ट्रीब्यूशन बार 8 mm का, ठीक है। ये क्लियर हो गया ये चीज। और स्पेसिंग हमने रखी है 150 mm या 6 इंच बोल लो, इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो हो गया 0.150 मीटर, ये हो गया। नेक्स्ट अभी हम आते हैं, देखो हमने पहले निकालनी है क्वांटिटी हर चीज की। तो क्वांटिटी के लिए क्या करना है, मेन बार जो है हमारा, मेन बार कहां छोटी साइड पे आएगा, ये आ गया हमारा मेन बार, ये तो इसको कैसे निकालेंगे, डालना हमने देखो ऐसे ऐसे है लेकिन आएगा मतलब आगे तक, तो आगे हमारा 15 मीटर 15 ये आ गया, क्योंकि ऐसे 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 डलेगा, ये आ गया। डिवाइड कर दिया उसकी स्पेसिंग के साथ, जो स्पेसिंग जितनी ली होगी आपको उससे डिवाइड कर देना है, वो आपका आएगा 100 नग कुछ। मैंने 101 नग क्यों लिया, एक नग आपको हमेशा एक्स्ट्रा लेना ही लेना है जब भी आप करो, ठीक है। ये हो गया, अभी बात करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन बार की, जो मतलब मेन बार ये हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन बार हो गया हमारा ये ऐसे 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 जो पड़ता है जाले में, तो उसको क्या करना है, देखो पड़ेगा ऐसे लेकिन आएगा किसमें, इसमें, तो हो गया हमारा 6 मीटर है हमारा, ये 20 फुट है, 6 डिवाइड बाई स्पेसिंग जितना होगा 150, तो उसको डिवाइड करेंगे हमारा 40 नग आएगा, लेकिन मैंने एक एक्स्ट्रा ले लिए 40+1 हो गया हमारा 41 नग हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार हो गया, क्लियर। ये हो गया, ये निकली क्वांटिटी। अभी बात करते हैं हम उसका वजन निकालना है, क्योंकि जो आपको मार्केट में सरिया मिलेगा वो वजन के हिसाब से ही देते हैं लगभग, क्योंकि मैं जो बता रहा हूं कि टाटा टिस्कोन का आपको सरिया लेना है वो वेट के हिसाब से ही आपको लगभग देंगे, तो उसको निकालने का फार्मूला रहता है वजन निकालने का, ये फार्मूला होता है। आप किसी भी सरिये को बिना तोले इससे वजन कर सकते हो, क्या है D²L/162.2, ये फार्मूला आपको याद कर लेना है, आप कभी भी कहीं भी किसी भी सरिये का वेट निकाल सकते हो। तो मेन बार था जो हमारा 10 डाया का यूज किया था हमने 10 mm,
तो आ जाओ यहां डी 10 का स्क्वायर इंटू 6 मीटर, 6 कहां से आया, जो मेन बार था हमारा कितना 6 मीटर का था ना, एक का निकाल लेंगे बाकी का हम इजिली निकाल लेंगे, 6 मीटर 6 डिवाइड बाय 162 वो आया हमारा, इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करके 3.69 केजी एक सरिये का वेट, एक का टोटल कितने हैं 101 नग, मल्टीप्लाई कर देंगे 101 तो आ गया हमारा 373 केजी हमारा 10 डाया का सरिया लग रहा है। ठीक है, अभी बात करते हैं हम 8 का सरिया जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है हमारा ये वाला, उसका फॉर्मूला सेम डी स्केयर एल 162। इसमें क्या है, हमने 8 का सरिया यूज किया था तो ये आ जाइए यहां डी स्केयर, ये आ गया 15 क्यों, डिस्ट्रीब्यूशन की लेंथ कितनी है हमारी ऐसे है ना, ये आ जाओ, ये थोड़ा पजल है, एक दो बार देखोगे वीडियो को समझोगे खुद लिखोगे ना समझ आ जाएगा। ये आ गया 15, इसको डिवाइड किया ऐसे, ये आया हमारा 5.91 केजी एक सरिये का वेट। तो टोटल कितने 41 आ गए हमारे, वो हो गया 41, ये हो गया हमारा टोटल 243 केजी, मतलब दोनों को मिला के हमारा कितना वजन हो रहा है सरिया 616 केजी हमारा सरिया लग रहा है स्लैब में। ठीक है, ये समझ आ गया कितना 616 केजी हमारा स्लैब में सरिया निकल गया, ये आ गया। अभी बढ़ते हैं हम आगे, देखो मार्केट में जो स्टील का भाव है वो कितने है, टाटा स्टील आपको 46 रुपए केजी मिल जाएगा जीएसटी वीएसटी लगा के सब, कई जगह महंगा होगा कई जगह सस्ता होगा, लेकिन मेरे जो अभी यहां रेट है हमारे वो 46 रुपए केजी है। तो टोटल हमारा सरिया कितना लगा है 616 केजी पूरी स्लैब में लगा है, तो एक का रेट है 46 रुपए, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा आ जाएगा 28,336 रुपए का हमारा सरिया आ जाएगा उसमें लगाने के लिए स्लैब में। नेक्स्ट ये आ गया, देखो सरियो के बांधने के लिए हम यूज क्या करते हैं, बाइंडिंग वायर। बाइंडिंग वायर का क्या है, एक थंब रूल है, अगर हम एक टन सरिया बांधेंगे तो लगभग 10 केजी हमारी बाइंडिंग वायर लगती है, तो हमारा कितना 616 केजी है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 10 के साथ और वो आ गया हमारा, उसको डिवाइड करने दे 1000 के साथ, तो आ जाएगा हमारा 6.1 केजी, मतलब 616 जो हमारा केजी सरिया है उसको बांधने में हमारा कितनी वाइंडिंग वायर लगेगी 6.1 केजी। याद रखना थंब रूल क्या है, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक मतलब 1000 केजी को बांधने में हमारी 10 केजी बाइंडिंग वायर लगी जाती है, मतलब 8 से 9 केजी लगती है, लेकिन गांव वगैरह में बड़ी बड़ी काटते हैं वो 10 केजी लगभग लगा देते हैं। तो ये हो गया, तो जो मार्केट प्राइस है इसका बाइंडिंग वायर का वो है 65 रुपए, मतलब एक केजी बाइंडिंग वायर आपको मार्केट में कितनी मिलेगी 65 रुपए की, ये कहीं रेट आगे पीछे होगा 50 में मिलती है कई जगह 60 में मिलती है। तो ये हो गया 6.1 केजी लग रही है हमारी इंटू 65, तो हो गया हमारा 396 रुपए हमारे किस पे लगेंगे, बाइंडिंग वायर पे। बाइंडिंग वायर क्या होगी जिनको नहीं पता, देखो जो सरिया आप बांधते हो उसमें जो हम तार लगाते हैं वो हमारी बाइंडिंग वायर होगी। अभी नेक्स्ट चीज आते हैं हम, ये हो गया हमारा स्टील का भी खर्चा निकल गया बाइंडिंग वायर का, मेन खर्चा आता है लेबर रेट का। देखो लेबर रेट डिपेंड करते हैं आपके गांव पे आपके शहर पे किस हिसाब का रेट वहां चल रहा है, लेकिन 6.5 पर केजी आपको मिनिमम इसी रेट में आपको मिल जाएगा। मतलब कोई भी लेबर क्या करेगी, एक आपका टोटल जितना सरिया है ना उसका मतलब एक केजी बांधने का वो लेती है 6.5 रुपए, अगर एक केजी सरिया बांधना होगा वो 6.5 रुपए लेती है, तो हमारा टोटल कितना सरिया बांधना है 616 केजी, तो उसको हम 6.5 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ गया 4004 रुपया हमारा किसमें लगेगा, सरिया बंधवाने में उस स्लैब को। ठीक है, ये हो गया क्लियर। तो अभी टोटल कैसे करेंगे, मतलब टोटल ये हमारा स्टील का खर्चा आ गया, उसमें लेबर का खर्चा आ गया और जो बाइंडिंग वायर लगाते हैं उसका खर्चा आ गया। तो ये आ गया हमारा स्टील का खर्चा कि टाटा टिस्टोन का स्टील हमने जो लगाया इसमें वो इतना आया 28,336 रुपए का। फिर आया बाइंडिंग वायर का खर्चा कितना आया 397 रुपए खर्चा आया। फिर हमारा लेबर का कितना खर्चा आया 4004 रुपया हमारा लेबर का खर्चा आया। तो टोटल हो गया हमारा 3273 मतलब 32,737 रुपये हमारा उस स्लैब को सरिया बंधवाने में हमारा खर्चा आ गया। तो देखो कुछ इसमें मुश्किल नहीं था, बेसिक टॉपिक था, क्या आपको करना क्या है, स्पेसिंग एक आपको पता होगी कितने बाय कितने की स्लैब है
और जो बेसिक मैंने बताया आपको सिर्फ फॉलो करने स्टेप जो मैंने आपको बताए, आप इजिली निकाल लोगे आपका स्लैब पे कितना खर्चा आएगा। ठीक है, इसके रिलेटेड कुछ भी आपको दिक्कत आती है समझने में कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू गाइस।